वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैं आप लोगों को बताया था कि बेल्टोन का जो केवाईसी का जो कैंप लगेगा, जिस बच्चों का प्रॉब्लम है, जैसे कि देखिए आज मैसेज भी आ गया है, लेकिन बेल्टोन ने इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया है। जो ये कैंपस लगा रही थी, ये जो मैं बात किया था बेल्टोन ऑफिस, वो 18 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच कैंपस लगा रही थी, लेकिन अभी 12:30 बजे के अप्रोक्स में आज मैसेज आया बच्चों के मोबाइल में कि ये 18 अगस्त से 21 अगस्त तक ही ये कैंप लगा रही है। ठीक है, जैसा कि जिस बच्चों के पास मैसेज नहीं आया है, तो ये मैसेज ही है जो आपके मोबाइल में आया होगा, आप इसे पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है टू ऑल दोज कैंडिडेट हु आर फेसिंग इशू इन आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन का जो जिसके पास इशू है, डेमोग्राफिक ईरर का इशू है, और जो केवाईसी करते समय आ रहा है, ये आपका जो कैंप लगाया जा रहा है, ये शास्त्री नगर कैंपस में लगाया जा रहा है, जो कि बेल्ट्रॉन ऑफिस का एड्रेस है, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन बस इसमें एक परिवर्तन कर दिया गया। वो 18 से 25 तक बोले हुए थे लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने इस डेट को परिवर्तित कर दिया। अब ये मात्र 3 दिन ही कैंप लगाने की बात कह रही है, और इसका मैसेज भी आ गया, लेकिन ये डेट बढ़ा भी सकती है। ठीक है, और जिसका पोस्ट आधार हो गया और कैंडिडेट का कंप्लीट केवाईसी हो गया, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी कि किसी भी तरह की आपको केवाईसी से संबंधित समस्या है, तो आप बेल्ट्रॉन ऑफिस से जाके संपर्क कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे ट्रांसलेट कर दिया, जिसे इंग्लिश में प्रॉब्लम वो यहाँ से हिंदी में भी देख सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। डेमोग्राफिक का एरर का हिंदी देखिए, यहाँ दिया है जनसंख्या की त्रुटि, ये डेमोग्राफिक का हिंदी है। इसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो बेल्ट्रॉन है 18 अगस्त 2020 से लेके 21 अगस्त 2020 तक अपना शास्त्री नगर परिसर में एक शिविर का आयोजन कर रहा है, उम्मीदवारों के आधार विवरण को सुधारने के लिए। देखिए जिसका आधार कार्ड में कुछ गलती है ना, वो भी आधार कार्ड आपका वहां पे सुधारा जाएगा, जो मैसेज में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आधार सुधार के बाद, इसके रिगार्डिंग मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि आधार कार्ड पहले सुधारिए, उसके बाद ही केवाईसी प्रक्रिया पूरा होगा। आधार सुधार के बाद उम्मीदवार अपना केवाईसी पूरा कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने अंतिम रूप से अपना केवाईसी जमा कर दिया है, कृपया इस संदेश को अनदेखा कर दें। यानी कि ये जो मैसेज आया है, जिसका केवाईसी फाइनल सबमिट हो गया है, तो उसे फिर से दोबारा नहीं करना है। जिस बच्चे का अभी एक मौका है, जिसके बच्चों का आधार कार्ड में कुछ गलती है, तो आप बेल्ट्रॉन ऑफिस जाके अपनी आधार कार्ड को भी वहां से सुधरवा सकते थे। ठीक है, तो आप लोग जाइए, जिसका जो भी समस्या है, आप 18 अगस्त से लेके 21 अगस्त के बीच ऑफिस विजिट कीजिए और अपनी समस्याओं से छुटकारा पा लीजिए। बहुत बच्चों का कमेंट आएगा कि सर लॉकडाउन है तो मैं कैसे जाऊंगा। 10 बजे से लेके 6 बजे तक आपकी जो प्राइवेट बसेज हैं वो बंद है, आप अपना प्राइवेट गाड़ी से आ सकते हो, बाइक से आ सकते हो, फोर व्हीलर से आ सकते हो, यानी कि आपको समस्या है तो आपको एनी हाउ किसी भी तरह से पटना आना ही पड़ेगा। पटना आएंगे तभी जाके आपका समस्या का समाधान हो पाएगा। मान लीजिए अभी बहुत सारा जो आधार कार्ड का सेंटर है वो बंद है, या आधार कार्ड अभी मान लीजिए मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपना आधार कार्ड में नंबर मोबाइल का कहीं से भी चेंज करवा लेते हैं, तो आप अपने घर से भी कर सकते हैं। लेकिन जो डेमोग्राफिक एरर है और कुछ टेक्निकल इशू जो है, जिसके चलते नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप पटना आ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही बताएंगे हम आपको, और ये सारा चीज़ जो आपके पास अगर आ गया है इस टाइप का मोबाइल में केवाईसी के बाद मैसेज, और ये आपका ईमेल पे आ गया, इनमें से दोनों में से कोई भी एक अगर आपके पास आ गया है और आपका फाइनल सबमिट हो गया है, तो आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जिस बच्चों का केवाईसी नहीं हुआ है, और जो बच्चे मैसेज करके हमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेरा केवाईसी हुआ है कि नहीं, ये कैसे कंफर्म पता चलेगा, तो आप अपना मेल चेक कर लीजिए। अगर आपको मेल में इस टाइप का मैसेज आ गया, मोबाइल में इस टाइप का मैसेज आया हुआ है, तो आपका केवाईसी कंप्लीट हो गया है, वो अंडर वेरिफिकेशन है, उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, आप कृपया ज़्यादा चिंतित ना हो। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो केवाईसी की डेट है वो चेंज कर दी गई, बस 18 से 21 दिन तारीख तक है, यानी कि 18, 19, 20, 21, यानी कि 4 दिन का आपके पास समय है, जो कि आज 18 अगस्त है। आप अगर पटना के आसपास हैं तो 4 बजे तक ऑफिस आके आज भी अपना काम करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।